नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने बजट का सिर्फ 60% ही खर्च किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ हो या कोरोना, नीतीश कुमार बिहार के लोगों से हमेशा दूर ही रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी दलों के नेता भी बिहार भर में कई जगहों पर जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी बिहार में कई रैलियां की। इस दौरान कल पटना में उन्होंने राजद और भाकपा माले पर जमकर प्रहार किया। तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके आलोचना का जवाब दिया है और मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस राज्य से क्या मुद्दा लेकर आया है, बल्कि उनके लिए राज्य से संबंधित मुद्दे ही मायने रखते हैं। तेजस्वी के अनुसार गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे राज्य से प्रासंगिक हैं और यही महत्वपूर्ण भी हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ हो या कोरोना, हमेशा बिहार के लोगों से दूर ही रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने बजट का सिर्फ 60% ही खर्च किया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने राजद पर जमकर प्रहार किया था। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राजद के शासनकाल में बिहार के नौजवानों को अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर होना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने पालीगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाकपा और माले कोरोना से कम नहीं है। राजद और कांग्रेस भाकपा माले के रूप में लोगों के बीच में एक नए कोरोना को छोड़ना चाहती है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दें। बताते चले कि तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में वह 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके इस घोषणा पर तंज कसा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इतने लोगों को रोजगार देने के लिए तेजस्वी यादव पैसे कहां से लाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।